हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं हूं उमेश और आप देख रहे हैं उमेश जोशी व्लॉग। सो गाइस, आज है 8 फरवरी 2022 और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैं रेडी वगैरह हो चुका हूं। तो आज भी धूप आई हुई है, लगता है उस दिन मैंने इंद्र भगवान से रिक्वेस्ट की थी कि अपने इम्प्लॉयज़ को कहीं जरा सही से काम करें, तो उन्होंने कहा होगा, तो एकदम मस्त तरीके से काम कर रहे हैं वो आजकल। तो थैंक यू। और हाँ, मैं कोई आपको आपकी बेइज्जती वगैरह नहीं कर रहा था, कभी पता चले 2-3 दिन में फिर से बाड़ी ले आओ आप, तो थैंक यू। हम बहुत ज़्यादा आपके आभारी हैं कि आपने यहाँ का पानी सुखाने में हमारी सहायता करी। और ऐसे ही बस धूप आए, मस्त सी ठंड भी निकल जाए, जल्दी से पता ना चले, ऐसी गर्मी निकल जाए। हाँ, भले गर्मियों में जितनी मर्जी पास करवा लें, कोई चक्कर नहीं, नो टेंशन। सो गाइज, अभी ज़्यादा बकबक ना करते हुए अभी स्कूल जाना है और मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक आप बने रहिए। सो गाइज, अभी बज चुके शाम के 5 और मैं अब निकला हूँ घर से बाहर। अभी भी एकदम मस्त धूप आई हुई है, तो आजकल हमारी किस्मत अच्छी है कि धूप आ रही है और अभी रोशनी भी है, तो घूमने जाने की सोच रहे थे। क्रिकेट खेलना तो जा नहीं सकते क्योंकि अरुण और है नहीं, वैसे आ गया अरुण कल, पर मेरे से मिला नहीं अभी वो, अभी हमारी मुलाकात नहीं हुई। हमें एक ही कॉलोनी में रहते, फिर भी मुलाकात नहीं हुई, उसको बेचारे को काम है इसलिए वो अड्डे पर और मैं अभी घर पर हूँ, और जब मैं वहाँ जाऊँगा तो वो यहाँ पर होगा, इसलिए ऐसे हम मिल नहीं पाते। तो चलो, ऐसा तो चलता ही रहता है। और हाँ गाइस, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक नए चैलेंज में पार्टिसिपेट किया, 10 डेज चैलेंज। वैसे तो मैंने 365 डेज चैलेंज लिया था कि मैं 365 दिन में 365 वीडियो डालूंगा, और अभी तक भगवान की दया से मेरा लगभग 39 दिन का मैंने गाइस चैलेंज पूरा कर दिया है। और अभी एक यूट्यूबर है, पता नहीं शायद उनका नाम मैं सही से ना बोल पाऊँ, एलग्रो शायद ऐसी कुछ है उनका नाम, उन्होंने 10 डेज चैलेंज चलाया, उन्होंने 9 तारीख से शुरू किया पर मैंने आज से शुरू कर दिया। कल की वीडियो में मैंने 10 डेज चैलेंज हैशटैग में डाल दिया था। सो गाइस, इसके अंदर ऐसा है कि 10 दिन में हमें लगातार वीडियोस डालनी है, और इससे शायद कि आप तब व्यूज़ भी आ जाएँ सही अच्छे खासे, क्योंकि इससे अगर हम सब बहुत सारे यूट्यूबर्स एक साथ 10 डेज चैलेंज लिख लिख के अपने डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे तो लोग सोचेंगे कि है क्या, और इसलिए वो सर्च करेंगे 10 डेज चैलेंज, तो उसके कारण फिर बाकी के जो हम जैसे चिमकांडी मतलब हम जैसे जिन यूट्यूबर हैं नल्ले, उनके भी थोड़े बहुत व्यूज़ वगैरह आने की संभावनाएं हैं, तो इसलिए ये चैलेंज लिया। वैसे तो मेरे को वैसे भी रोज़ ही डालनी थी, मैं सोचा क्या आ जाता है, बस थोड़ा सा लिख देते हैं। हाँ, अगर जो लोग रोज़ नहीं डाल सकते वो 10 दिन में कम से कम 5 पर 5 से कम नहीं, एक भी वीडियो कम नहीं, इतना तो डालना ही पड़ेगा, 5 वीडियो। और हाँ गाइस, मुझे लगता है आज का व्लॉग बहुत छोटा होगा क्योंकि अभी घूमने भी जाना है और कोई है नहीं, तो चलते घूमने जाते जाते बना लेंगे कि हफ्ता छोटा ना हो, इतना बड़ा हो जाए कि आप लोग पूरा देख ही नहीं पाओ। वैसे भी 1-2 मिनट से ऊपर तो कोई टिकता नहीं है, मैक्सिमम 10 में से 2 लोग टिक जाएंगे, उसमें से भी एक व्यू मेरा होगा। सो गाइस, अभी अमित भी आ रहा है, अभी हम घूमने जाने वाले हैं, तो आप लोग भी 10 डेज चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, और जो मेरे दोस्त हैं यूट्यूबर्स वगैरह थोड़ी छोटे छोटे मेरी तरह, वो लोगों को भी मैं कहूँगा कि 10 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट करें और इस पर वीडियोज़ बनाएँ अच्छी अच्छी सी, तो कंटेंट दें और कंटेंट लें। तो अभी चलते हैं फिर और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस, ये देखिए, मैंने कुछ दिनों पहले आपको व्लॉग में दिखाया था कि यहाँ पे पानी भरा हुआ था और ये पेड़ भी आधे पानी में बंद थे और संतरे की बोतल में पैर लग गया मेरा। तो अभी संतरा ही है शराब का नाम, छोड़ना जो मर्जी बूस्ट करता है। तो गाइस, यहाँ पे आप पानी सूख चुका है, 3 दिन लगातार धूप आ गया, इंद्रदेव की कृपा से मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप तो मान लियो। तो अभी ये देखिए, अमित सर भी आए हमारे साथ और बॉल लेके घूम रहे हैं, कल उन्होंने कुछ बोला नहीं। गाइस ये देखिए, एक निर्जीव हम इंसानों की वजह से मर गया, मतलब निर्दोष प्राणी बैट, आप देख सकते हैं इसकी आंखें आपको दिख रही नहीं होंगी। हम भूतिया घर के पास आए हैं, पुरुषोत्तम भी मिल गया हमें, और यहाँ पे मॉन्स्टर ट्रक आते हुए हमें इसकी धूल से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। गाइस ये देखिए, यहाँ पे फसल ख़राब कर दी गई है, इंद्रदेव देख रहे हो ना नुकसान। और देखिए गाइस, यहाँ पे कुछ लोग काट भी रहे अपनी फसल को, देखिए कुदरत का करिश्मा, कहीं पे धूप कहीं छाया, वहाँ पे इतने ज़्यादा नुकसान हो गया था और यहाँ कितनी मस्त फसल खिली हुई है इसने, लगता है पिछले जन्म में अच्छे कर्म करे होंगे, हमारी तरह बुरे कर्म नहीं करे होंगे। ये देखिए पूरा खेत इसका एकदम प्योर है, मतलब एकदम चादर की तरह फैला हुआ है दूर दूर तक, जहाँ तक अभी आप देखें कितना मस्त है, पूरा हरा ही हरा है और कुछ है ही नहीं यहाँ पर, अगर ये सड़क नहीं होती तो ये भी हरा होता। पहली बार हम पीछे की साइड आए हैं, ये देखिए आपको एक चीज़ दिखाते हैं, सतरंगी संतरा इसे छोड़ के, ये देखिए गाइस यहाँ पे सोलर पैनल लगे हुए हैं जो कि मस्त धूप आती है और उसकी वजह से चार्ज होते हैं। और ये देखिए खेत, लहसुन वगैरह लग रखा है यहाँ पे, और यहाँ की फसल भी एकदम सही है गाइस,
और वैसे एक जंगल है, जंगल टाइप, जंगल ही है टाइप, क्या ये जंगल है। यहाँ पे नदी जो हम वहाँ से देखते थे, जो वहाँ पे सड़क है, अब यहाँ से देखेंगे। यहाँ से आगे यहाँ पे गाइस एक माड़ी है जिसकी पूजा होती है यहाँ पे। और अभी चलते हैं फिर जंगल की ओर और दिखाते हैं आपको कोई शेर बाघ चीता ऐसा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे मिल गया मुश्किल से, जोर लगा के नीलगाय मिल जाएगी और कुछ नहीं। अगर वीडियो शूट करके अपलोड होगी तो समझ जाना जिंदा, वरना बस सोच ही लेना क्या हुआ होगा, इनको क्या पता चलेगा। अगर यहाँ पे एकदम मस्त क्या और क्या क्या बताया तूने, सूखा पड़ा हुआ है देखिए, यहाँ पे एकदम मस्त सूखा पड़ा हुआ है। और अभी हम आपको इसके थोड़े से इधर दिखाएंगे, वहाँ पे एक नदी बहती है, फिर भी देखिए गाइस यहाँ पे क्या हाल है। और ये देखिए गाइस सूरज डूबने वाला है और अभी हम बहुत दूर आ चुके हैं, कम से कम 6 किलोमीटर लगभग आ चुके हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा हरियाली है और यहाँ पे इतना ज़्यादा सूखा, इसे कहते हैं भगवान की माया, कहीं कहीं धूप कहीं छाया। तो अभी ये देखिए गाइस यहाँ पे चलते जाइए आप हमारे साथ। व्हाट अ ब्यूटी, ये ब्यूटी हमने पहले नहीं देखी कभी। ये देखिए मित्रों, ये नदी के अंदर, आपको शायद ये खेत लग रहा होगा पर ये खेत नहीं है, खेत की जगह नदी थी जो कि अब खत्म हो गया था। ये देखिए ब्रिज है, ये हम ब्रिज के ऊपर हैं और ये पूरी नदी थी गाइस, तो यहाँ पे आप पानी नहीं आता तो उन्होंने खेत लगा दिया। और खेत देखिए, आप जब नदी है तो उपजाऊ भूमि ऑब्वियसली होगी होगी, तो देखिए कितने मस्त है। और यहाँ पे आप थोड़ी सी जगह छोड़ के बिल्कुल बॉर्डर देखिए आप, और ये देखिए तारे कितनी ज़्यादा जा रही हैं यहाँ पे, अभी आपको दिखाते हैं। साइड से निकाल दी, ये देखिए गाइस सही है। नदी ऐसा का माना जाता है कि पानी अपना रास्ता बनाता है, पर इंसान इतना खुदगर्ज हो गया कि उसने पानी को ही दूसरा रास्ता दे दिया, जहाँ कि वहाँ से ये जो सामने आपको यहाँ से शायद दिख रहा होगा, इतना 8x का स्कोप पूरा खोल देता हूँ जितना खोल सकता है। यहाँ पे एक पुल था, वो 10x का खुल गया। यहाँ पे एक पुल है, वहाँ से नदी आती थी, हमने कल आपको दिखाया था। और वहाँ से आते आते पूरे भाई खिल गया पूरा। सो गाइस वहाँ से आती थी नदी और ये सारा पानी होता था किसी ज़माने में। ये देखिए वहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा, वो एक तरह का वो था बीच ही होता है, बीच नहीं होता, वो क्या होता है बांध कह सकते हैं, पानी बाहर ना जाए जिससे, हाँ जिससे पानी बाहर ना जाए, मतलब वहाँ पे खड़े होकर हम नदी को आसानी से देख सकते थे। ये सारी नदी थी इतनी चौड़ी, यहाँ पे भी थोड़े बहुत पत्थर अगर आपको दिख रहे हो तो बारिश कम होने की वजह से यहाँ पे साइड में इन्होंने अपना अलग बना दिया, और पानी के निकलने के लिए इतना सा रास्ता, और जिसमें भी कचरा सबसे ज़्यादा और गंदी, तो आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा हो रही है ये नदी। और अभी हम आपको इस साइड से दिखाते हैं ये नदी, सड़क तक चल साथ मेरे क्या होता है फलक तक चल साथ मेरे। सो गाइस ये देखिए, ये दूसरा शोर, और वहाँ पे सरसों लगी है इसी की तरह, और यहाँ पे पानी आ रहा है। यहाँ पे मतलब जिसका मंदिर का सामान जो बचबूच जाता है उसको ऐसे ही फेंक देते हैं, पर सफाई इसकी बिल्कुल नहीं होती। और हमने सोचा था नीलगाय वगैरह कुछ दिख जाएगी, कुछ भी नहीं दिखी। और ये देखिए देसी जुगाड़, हर जगह पानी को यहाँ से खेत में निकाल जा रहा है मोटर के द्वारा, इसे कहते हैं इंडिया। तो चलते हैं फिर अब यहाँ से घर की ओर। ये देखिए गाइस पूरा जंगल है, और चलते हैं, अब रात भी होने वाली है वरना आपको पता ही है। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं माड़ी के पास दोबारा, और बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, तो घर जाने तक शायद पूरी तरह से अंधेरा हो जाएगा और फिर ब्लॉग की एंडिंग भी नहीं कर पाऊंगा मैं। आज का ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं था और अच्छा बहुत था, वैसे ज़्यादा हरियाली दिखाई आज मैंने आपको, हरे हरे में कुछ जो आप भी। सो गाइस इसी के साथ आई होप कि आपको आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।